होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एच एस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, आल्सो वेरीफाई द आंसर्स। हमें कुछ इक्वेशंस नीचे गिवन है, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट मालूम करें और वेरीफाई भी करें जो आपका आंसर ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेट समझ लेते हैं क्या होता है। अब कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो तो उसके अंदर एक वेरिएबल ज़रूर मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर है x। तो इस x के आंसर्स निकालना, एक आंसर निकले या दो आंसर्स निकले, जो भी आंसर्स निकलेंगे वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट के बाद जो हमारे x के आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके ये बात प्रूव करना जो दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है, ये हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन सेट मालूम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सवाल को सेम कॉपी कर देंगे, रूट 4x माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 7। अब यहाँ पर भी हमारे पास रूट मौजूद है और यहाँ पर भी रूट मौजूद है। जब तक ये रूट ख़त्म नहीं होगा हम इस x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो रूट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, देखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा रूट 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब दोनों वैल्यूज से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 7। अब ये 4x जो है 5 से माइनस नहीं हो सकता और ये 3x में 7 प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि इस वैल्यू के साथ x मौजूद है और इसके साथ भी x मौजूद है और यहाँ पर x मौजूद नहीं है। तो हमें पता है वेरिएबल वाली वैल्यू सिंपल वैल्यू में कभी भी प्लस या माइनस नहीं हो सकती। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, आसानी के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं, मतलब इसके साथ भी x मौजूद है और इसके साथ भी x मौजूद है, उन दोनों को एक साइड पर कर देंगे और सिंपल नंबर्स को एक साइड पर कर देंगे। सो 4x यहाँ पर सेम आ जाएगा, 3x इधर प्लस में, दूसरी तरफ जब लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 सेम आ जाएगा और माइनस 5 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5। 4x 3x तो यहाँ पर माइनस हो गए, तो 4x में से 3x जब माइनस होंगे तो बचेगा सिर्फ x और 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। सो x का आंसर हमारे पास आ गया 12, मतलब x का जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया है वो है 12। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन, जो हमारा ये जो आंसर आया है 12 ये सही भी आया है या नहीं। सो वेरिफिकेशन में क्या करना है, हमने सबसे पहले दोबारा से वही जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी इक्वेशंस, दोनों साइड पर ये दोनों सेम कॉपी कर देंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। अब हमने x का एक आंसर निकाला है जो कि है 12, तो यहाँ पर हम x जो है पुट कर देंगे x की जगह पर 12, तो एक स्टेटमेंट दे देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 12, तो x की जगह क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर भी 3 इंटू 12 प्लस 7। अब यहाँ पर एक सवाल आया, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग करके रूट को कैंसिल करके सॉल्व किया था, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग क्यों नहीं,
इस साइड पर हम स्क्वायरिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वेरिफिकेशन करते वक्त कोई भी वैल्यू हम इधर उधर नहीं लेकर जाएंगे, मतलब जो वैल्यूज लेफ्ट साइड पर हैं वो लेफ्ट पर ही रहेंगी और जो राइट पर हैं वो राइट पर ही रहेंगी, कोई वैल्यू इधर उधर नहीं की जाएगी। सो इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करके ये वाली सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे, सिंपल एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 12 हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 12 आ जाएगा 36 प्लस 7। 48 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 43 और यहाँ पर 36 में 7 प्लस किए तो ये आ जाएगा 43। दोनों साइड्स पर हमारे सेम आंसर्स आ गए तो इससे हमें ये जाहिर हो गया जो भाई ये जो हमने आंसर निकाला है 12 ये बिल्कुल करेक्ट निकाला है। हमारी जो कंडीशन थी वो वेरीफाइड हो गई है, जो हमने इक्वेशन की मदद से आंसर निकाला तो वो हमारा करेक्ट है क्योंकि हमारी दोनों साइड्स पर आंसर सेम आ गया। अगर तो दोनों साइड्स पर आंसर सेम नहीं आता तो वेरिफिकेशन में या तो गलती हुई है हमसे या तो हमने आंसर गलत निकाला है एक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।